फ्रेंड्स, आज हम सोल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सोल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर 100 ग्राम लिक्विड लिया। पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट मैक्सिमम डिजोल्व हो सकता है, उस अमाउंट को हम सोल्युबिलिटी कहते हैं। सोल्युबिलिटी क्या हुई? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। सोल्युबिलिटी के दो केस हैं। पहला केस सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड की लिक्विड में सोल्युबिलिटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। इसमें पहला फैक्टर है टेम्परेचर। यहां सॉलिड सोल्यूट है, लिक्विड सोलवेंट है, सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा जब सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व होगा। इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। अब ये क्या होगी, इसके लिए यहां हमने सॉलिड को ए से डिनोट कर दिया, सोलवेंट को बी से कर दिया, तो इनमें इंट्रैक्शन को बोलेंगे ए इंट्रैक्शन, सोलवेंट में बोलेंगे बी इंट्रैक्शन, और सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन होगा बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड तो उसको बोलेंगे ए बी इंटरेक्शन। अगर ये ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है ए और बी बी इंटरेक्शन से, तो उस केस में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव आएगी, क्योंकि जब इंटरेक्शन फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और इंटरेक्शन ब्रेक होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो रिलीज हुई एनर्जी ज्यादा होगी एब्जॉर्ब हुई एनर्जी से, इसलिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव आएगी। तो यहां से हम कह देंगे कि अगर डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड एक्शन में आएगा अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल। ये भी इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज इफ डिजोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, और अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव है वो कब होगी, जब ए बी इंटरेक्शन वीक होगा, तो उस केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहां दो केस हुए, डिजोल्यूशन एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, डिजोल्यूशन एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर है प्रेशर। अब क्योंकि सॉलिड और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं ऑलमोस्ट, तो यहां प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा केस, हम गैस को लिक्विड में डिजोल्व करेंगे, दूसरा फैक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये भी दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर यहां लिया हमने टेम्परेचर। अब जो सॉल्यूट है वो अपने पास गैस है, और गैस के मोलिक्यूल्स में इंटरेक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल जब सॉल्वेंट के साथ लिक्विड के साथ इंटरेक्शन बनाएंगे, मतलब ए बी इंटरेक्शन बनाएंगे, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसलिए रिलीज हुई एनर्जी ज्यादा होगी, तो यहां प्रोसेस हमेशा क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज होगी। ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। दूसरा फैक्टर है प्रेशर। गैस की सोल्युबिलिटी पे प्रेशर का इफेक्ट हेनरी ने स्टडी किया, तो ये कहलाएगा हेनरी लॉ। अब सोल्युबिलिटी पे इफेक्ट क्या होगा, इसके लिए ये हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है, यहां इस पे हमने वेट रख रखा है प्रेशर अप्लाई करने के लिए, यहां गैस के मॉलिक्यूल्स, ये गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो स्ट्राइक करेंगे विद सरफेस ऑफ लिक्विड, और उससे इसमें ये गैस डिजोल्व हो जाएगी। अब हमने क्या किया, लिक्विड की अमाउंट सेम है लेकिन अब हमने इस पे प्रेशर बढ़ा,
अब प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल तो उतने ही हैं, लेकिन अब वॉल्यूम कम हो गया। उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम हो बढ़ जाएंगे, इसलिए उनका जो कोलिजन है वो ही बढ़ जाएगा। जितना रेट ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा गैस मॉलिक्यूल का विद लिक्विड सरफेस, उतनी गैस की सोल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, पी है प्रेशर और ये है सोल्युबिलिटी। गैस की सोल्युबिलिटी को हमने इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्सप्रेस किया है। तो इस लॉ को हम डिफाइन करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। इसको ऐसे भी कह सकते हैं नेक्स्ट, और P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, इसकी जगह हमने KH लिख दिया। KH यहां पर है हेनरी कांस्टेंट। अब इस हेनरी कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी कॉन्स्टेंट, इसके लिए ये हमने ऐसे लिख दिया के एच इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई एक्स, एक्स सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। जिस गैस के लिए हेनरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उस गैस की सोल्युबिलिटी कम होगी, ये हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंस। दूसरा, इस पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, हेनरी कॉन्स्टेंट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस की सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और गैस की सोल्युबिलिटी कम होगी तो केएच की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वैल्यू ऑफ केएच इज ऑल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ हेनरी का, हेनरी लॉ को हम इन कंडीशंस में अप्लाई नहीं कर सकते, जिसमें पहली कंडीशन है अगर कोई गैस लिक्विड के साथ कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म कर ले तो उस केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, अगर गैस लिक्विड के अंदर डिसोसिएट हो जाए, जैसे HCl को हमने वाटर में डिजोल्व किया तो ये आयोनाइज हो जाएगा, तो इन दोनों केसेस में हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस, पहली एप्लीकेशन हेनरी लॉ की है इन सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री। सॉफ्ट ड्रिंक जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, इनके अंदर CO2 गैस डिजोल्व की जाती है इनके टेस्ट के लिए। तो CO2 गैस को कोल्ड ड्रिंक बोतल में अंडर हाई प्रेशर बोतल को सील करते हैं, मतलब हाई प्रेशर से हम गैस को पास करते हैं जिससे गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि अमाउंट इज डायरेक्ट सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। दूसरा, इसका यूज है इन डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइवर को बोलते हैं स्कूबा डाइवर्स। ये स्कूबा डाइवर्स अपने साथ गैस के सिलेंडर लेके जाते हैं, तो जितना ये डाइवर्स गहराई में जाएंगे उतना इन पे प्रेशर बढ़ जाएगा, वाटर का वेट बढ़ने से, और प्रेशर बढ़ने से ब्लड के अंदर गैसेज की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी।
स्कूबा डाइवर जब सरफेस पे आएगा तो क्योंकि प्रेशर कम हो जाएगा उससे सोलिबिलिटी भी कम हो जाएगी। अब जो गैस फ्री होगी बबल्स की फॉर्म में बाहर आएगी तो उससे क्या होगा, जो अपनी फाइन कैपिलरी है जिसमें ब्लड फ्लो करता है उनमें बबल्स बन जाएंगे, उससे क्या होगा फ्लो रुक जाएगा तो पेन होगा, उस पेन को बोलते हैं बैंड्स। ये एक मेडिकल सिचुएशन है जो स्कूबा डाइवर फेस करते हैं। तीसरा इसका यूज है फोर क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स होते हैं ऊंचाई पे जाते हैं, जितना ऊंचाई पे जाएंगे उतना प्रेशर कम हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से जो सोल्युबिलिटी है ऑक्सीजन के ब्लड में वो कम हो जाएगी, उससे क्या होगा जो थिंकिंग पावर है वो वीक हो जाएगी और उस सिचुएशन को बोलते हैं अनॉक्सिया। तो ये इसकी एप्लीकेशंस थे।